हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस, क्योंकि आपका जो जनरल साइंस सब्जेक्ट है वो आपके ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे आपका LDC एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम होगा, या फिर आपका CT एग्ज़ाम होगा, RSSI, सभी एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रमा पर वायुमंडल लय होने का कारण है। क्या कारण है? प्लायन वेग। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा कितना होगा? उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? इससे ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसी को कहते हैं प्लायन वेग। क्वेश्चन नंबर 9, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? इसका आंसर है स्प्रिंग घड़ी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण होगा, ये गुरुत्वीय त्वरण 2% तक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दाब का मात्रक है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 12, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। क्वेश्चन नंबर 13, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका माप डैश बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 15, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ये ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। क्वेश्चन नंबर 17, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड कलर की। क्वेश्चन नंबर 18, कमरे में रख के रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? इसका आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पर 20 तक किए हैं, और ऐसे ही हम डेली वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपके जब तक एग्ज़ाम होगा तो आपकी साइंस जनरल साइंस जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपनी प्यारी जरूर बताएं। थैंक यू।